गाइस, वेलकम टू एवरीथिंग ऑन व्हील्स। आज होगा कंपैरिजन दो गाड़ियों के बारे में। पहली है मारुति सुजुकी अल्टो 800 और दूसरी है हाल ही में लॉन्च हुई डैटसन रैरी गो 2020। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन के लिए दोनों ही गाड़ी के बेस वेरिएंट लिए हैं और डैटसन रैरी गो का मैंने लिया है 800cc वाला वेरिएंट। दोनों ही गाड़ियों में अगर वेरिएंट्स की बात करें तो ऑल्टो 800 में 8 वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑप्शनल, LXi, LXi ऑप्शनल, VXi, VXi प्लस, LXi, CNG, LXi ऑप्शनल, CNG। ये थे अल्टो 800 के वेरिएंट्स। और डैटसन के वेरिएंट्स हैं, 6 वेरिएंट्स हैं इसमें, D, A, T, T ऑप्शनल, टी ऑप्शनल 1.0 लीटर और टी ऑप्शनल 1.0 लीटर AMT। अल्टो 800 की प्राइस शुरू होती है 3,51,000 से और रेडिगो की प्राइस शुरू होती है 3,33,000 से। रेडिगो अल्टो 800 से सस्ती है। अल्टो 800 में आपको मिलता है 796cc 3 सिलेंडर इनलाइन 4 वेल्व SOHC इंजन और जबकि रेडिगो में आपको मिलता है 799cc 3 सिलेंडर इनलाइन 4 वेल्व DOHC इंजन। पावर आउटपुट की बात करें तो अल्टो 800 में है 47 bhp की पावर और 69 Nm का टॉर्क, जबकि रेडिगो में आपको मिलेगा 54 bhp की पावर और 72 Nm का टॉर्क। रेडिगो में आपको पावर अल्टो 800 से ज़्यादा मिलता है। तो चलिए बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के। तो अल्टो 800 का डायमेंशन है, उसकी लेंथ है 3,445 mm, उसकी विड्थ है 1,515 mm, हाइट है 1,475 mm और व्हील बेस है 2,360 mm, जबकि रेडिगो में लेंथ आपको मिलेगी 3,435 mm, विड्थ है 1,574 mm और हाइट है 1,546 mm। इसका व्हील बेस है 2,348 mm। व्हील बेस रेडिगो का थोड़ा कम है और लेंथ जो है गाड़ी की वो अल्टो 800 की 10 mm ज़्यादा है। यहाँ पे बाकी सब कुछ रेडिगो में आपको ज़्यादा मिलता है। विड्थ है गाड़ी की 59 mm ज़्यादा है रेडिगो की अल्टो 800 से और हाइट 71 mm ज़्यादा है अल्टो 800 से। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको अल्टो 800 से ज़्यादा मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस अल्टो 800 का है 160 mm, जबकि रेडिगो का आपको मिलेगा 187 mm। बूट स्पेस भी आपको रेडिगो में ज़्यादा मिलता है। अल्टो 800 का बूट स्पेस है 177 लीटर, जबकि रेडिगो का है 222 लीटर्स। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अल्टो 800 की 35 लीटर्स की है। यहाँ पे फ्यूल टैंक की कैपेसिटी रेडिगो की थोड़ी कम है, 28 लीटर्स। चलिए बात करते हैं टायर साइज़ की। तो टायर साइज़ आपको अल्टो में मिलेगा 145x80x R12, 12 इंच का आपको टायर मिलता है इसमें, 145 सेक्शन x80 सेक्शन का। और रेडिगो में आपको मिलेगा 165x70x R14, इसमें 14 इंच टायर्स मिलेंगे आपको। अल्टो 800 से बड़ा टायर आएंगे और चौड़ा भी है, 165 mm का प्रोफाइल रहेगा। और बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ों की। फीचर्स में आपको इंजन इमोबिलाइजर अल्टो 800 में मिलता है और रेडिगो में नहीं मिलता। चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको अल्टो 800 में नहीं मिलता, जबकि रेडिगो में आपको मिल जाता है। ORVM आपको अल्टो 800 में बाहर से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, अंदर कोई लीवर नहीं दिया गया है। रेडिगो में आपको इंटरनली एडजस्टमेंट के लिए लीवर दिया गया है। डोर हैंडल आपको अल्टो 800 में बॉडी कलर्स मिलेंगे और रेडिगो में आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप ऊपर का वेरिएंट जाते हैं, जैसे ही ऊपर के वेरिएंट्स लेते तो आपके फीचर्स और बाकी कई चीज़ें बढ़ जाती है। आज हम लोगों जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो दोनों का बेस मॉडल का ही हो रहा है। इनसाइड डोर हैंडल, जब दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर से जो हैंडल होते हैं वो आपको अल्टो 800 में अनपेंटेड मिलेगा, मतलब वो ब्लैक ही रहेगा, और जो रेडिगो है उसमें आपको पेंटेड मिलेगा सिल्वर फिनिश के साथ। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें आपको, तो अल्टो 800 में आपको एनालॉग डिजिटल मिक्स इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा और
रेडिगो में आपको एनालॉग ही मिलता है। ट्रिप मीटर अल्टो 800 में इलेक्ट्रिक ट्रिप दो ट्रिप मिलेगी, जबकि रेडिगो में सिर्फ एक ही ट्रिप मिलती है। डिस्टेंस टू एम्प्टी रेडिगो में मिलता है, अल्टो 800 में नहीं है। क्लॉक आपको मिलेगा रेडिगो में डिजिटल, अल्टो 800 में नहीं है। शिफ्ट इंडिकेटर आपको रेडिगो में मिलता है, जबकि अल्टो 800 में नहीं है। अगर सेफ्टी के बारे में बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में ड्राइवर साइड एयरबैग दिया हुआ है, ABS है दोनों में, EBD है। सिर्फ अल्टो 800 में ब्रेक असिस्ट दिया हुआ है, जबकि डस्टन रेडिगो में वो नहीं है। अब बात करते हैं वारंटी की, तो अल्टो 800 में आपको 2 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि रेडिगो में 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। अब बात करते हैं कलर्स में कौन से कलर जो अवेलेबल है कार्स में, तो बेस मॉडल में अल्टो 800 में सिर्फ सिल्की सिल्वर और सॉलिड वाइट ही अवेलेबल है, जबकि डस्टन रेडिगो में आपको सारे ही कलर मिल जाते हैं, विविड ब्लू, सैंडस्टॉर्म ब्राउन, ब्रॉन्ज ग्रे, रूबी रेड, क्रिस्टल सिल्वर एंड ओपल वाइट। तो ये था दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।